हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एजुकेशन इंडिया पर। दोस्तों, हम एक टेस्ट सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम जैसे कि UPPCL, DMRC, DRDO, दिल्ली मेट्रो, LMRC या जितने भी राज्यों में इलेक्ट्रीशियन से संबंधित जो भी मतलब एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए हम एक टेस्ट सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। और हम आज हमारा ये टेस्ट सीरीज़ का चूँकि पहला दिन है और सेल और बैटरी से संबंधित प्रश्न हम यहाँ पे केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेंगे। और दोस्तों, बीच बीच में हम आपको प्रश्नों के बारे में थोड़ा डिटेल में बताते रहेंगे। तो दोस्तों, आप लोग तैयार हो जाइए और इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम कभी भी कोई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों के पास पहुँच जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अब चलते हैं, पहला प्रश्न शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि पहला प्रश्न दिया हुआ है, आप लोग देख रहे हैं कि सर्वप्रथम बनाया गया सेल कौन था। तो विकल्प में है, पहला विकल्प है डेनियल सेल, लैक्रांची सेल, वोल्टेइक सेल, शुष्क सेल। तो दोस्तों, सबसे पहले ये सेल बनाया था वैज्ञानिक बोल्टा ने और इसका नाम है वोल्टेइक सेल, जो कि सी विकल्प सही है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सर्वप्रथम बोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रसायन क्रियाओं के द्वारा विद्युत वाहक बल पैदा कर इसे बनाया था। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, वोल्टेइक सेल का विद्युत वाहक बल होता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल होता है कितना होता है दोस्तों। पहला विकल्प है 1.08 वोल्ट, दूसरा है 2.02 वोल्ट, तीसरा है यानी कि सी विकल्प है आपका 5 वोल्ट और डी यानी 0.5 वोल्ट। तो दोस्तों, इसका जवाब आप लोग अपने मन में सोच लीजिए। तो दोस्तों, इसका जवाब है 1.08 वोल्ट। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है, डेनियल सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट होता है तो कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, मैग्नीज ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो डेनियल सेल होता है इसे भी डेनियल वैज्ञानिक ने बनाया था और डेनियल सेल में जो प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट है वो है कॉपर सल्फेट। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। दोस्तों, शुष्क सेल का संशोधित रूप क्या है। दोस्तों, शुष्क सेल का संशोधित रूप क्या है। पहला विकल्प है आपके पास में ए वोल्टेइक सेल, दूसरा है बी डेनियल सेल, तीसरा है सी लैक्रांची सेल और डी है किसी का नहीं। तो दोस्तों, इसका जवाब होता है लैक्रांची सेल। लैक्रांची सेल का जो संशोधित रूप है वो है शुष्क सेल। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न यानी पांचवें नंबर पे। लैक्रांची सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों, लैक्रांची सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयुक्त होता है, इसका विकल्प है अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, मैंगनीज डाइऑक्साइड और H2SO4। तो दोस्तों, इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, यानी कि आपका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में बटन सेल किसे कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बटन सेल यानी लगभग सबसे छोटा सेल ही होता है और ये मरकरी सेल होता है। इस सेल का प्रयोग दोस्तों हम घड़ी जो होती हैं, कलाई घड़ियाँ, इन सब में करते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। दोस्तों, जैसा कि अब अगला प्रश्न है, सिल्वर ऑक्साइड सेल का EMF कितना होता है। 0.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट या 2.02 वोल्ट। तो दोस्तों, इसका जवाब है 1.5 वोल्ट। इसका चूँकि MF होता है इस सेल का, प्राथमिक सेल की अपेक्षा द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल होता है कितना होता है दोस्तों, कम होता है, बराबर होता है या अधिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इसका जो कि द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल है वो अधिक होता है। निम्न में से कौन क्षारीय सेल है। दोस्तों, इसका विकल्प है आपके पास में निकेल कैडमियम सेल, डेनियल सेल, वोल्टेइक सेल या फिर लैक्रांची सेल। तो दोस्तों, इसका जवाब है निकेल कैडमियम सेल। अब चलते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पे। दोस्तों, अगला दिया है, कैडमियम धातु के प्रयोग से सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता या अनंत हो जाता है। तो दोस्तों, कैडमियम धातु के प्रयोग से सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो घटता है। चार्जिंग क्या है दोस्तों, सबसे बढ़िया सवाल है आपके पास में कि चार्जिंग क्या है या क्या होता है चार्जिंग।
तो दोस्तों इसका विकल्प है आपके पास में, विकल्प ए है किसी सेल को लोड के साथ जोड़ना, दूसरा विकल्प है बी किसी सेल को डिस्चार्ज होने पर पुनः डीसी से जोड़ना, तीसरा विकल्प है सी किसी सेल की सफाई करना, और डी चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जवाब होगा विकल्प बी है किसी सेल को डिस्चार्ज होने पर पुनः डीसी से जोड़ना, क्योंकि दोस्तों चार्जिंग के लिए हम लोग डीसी का प्रयोग करते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों 12वां नंबर है, बैटरी चार्जिंग के लिए किस प्रकार के स्रोत की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि चार्जिंग के लिए हम लोग डीसी स्रोत का प्रयोग करते हैं, सिंपल सा सवाल है। अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इस पर टाइम देना सही नहीं है। डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, डेनियल सेल का दोस्तों आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, 2 ओम, 10 से 15 ओम, 2 से 6 ओम या 0 ओम। तो दोस्तों इसका जवाब है 2 से 6 ओम इसका आंतरिक प्रतिरोध होता है। दोस्तों अगला सवाल है, अगला प्रश्न है आपके पास में कि पॉकेट कैलकुलेटर आदि में किस प्रकार के सेल की ज़रूरत होती है। दोस्तों जैसा कि मैं बताया था कि मर्करी सेल जो होता है वो काफ़ी मतलब छोटा होता है, और इसका प्रयोग हम लोग घड़ी में, कैलकुलेटर इत्यादि में करते रहते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब है सीधा सीधा मर्करी सेल, ये चूँकि ये सेल सबसे छोटा होता है। और बात करें इस सेल की तो इसमें स्टेनलेस स्टील का एक बेलनाकार पात्र होता है जिसकी तली में मर्क्यूरिक ऑक्साइड चूर्ण को HgO एक परत होती है जो विध्रुवक एवं कैथोड की भांति कार्य करती है। दोस्तों इस बात करें इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.35 से 1.4 वोल्ट तक होता है, और इसका व्यास क्या होता है दोस्तों 4 mm तक तथा ऊंचाई इसकी 2.5 mm तक होती है। इससे इस बटन सेल, इसे हम मर्करी सेल को चूँकि आप जानते हैं बटन सेल भी कहते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेड एसिड बैटरी का कंटेनर किस पदार्थ का बना होता है। तो दोस्तों ज़्यादातर ये रबड़ का ही बना होता है, हार्ड रबड़ होता है, तो इस ये रबड़ का बना होता है दोस्तों। और अगला चलते हैं अगले प्रश्न पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी की इकाई क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की इकाई क्या होती है। इसमें से देखिए विकल्पों में से तो मित्रों कोई इसमें से सही नहीं है, सारे विकल्प चूँकि गलत हैं। चलते हैं दोस्तों अब अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला प्रश्न है आपके पास में, सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता मर्करी सेल की दक्षता से अधिक होती है, कम होती है, बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सिल्वर ऑक्साइड सेल की जो दक्षता होती है वो मर्करी सेल की दक्षता से अधिक होती है, क्योंकि ये काफ़ी छोटा सेल भी होता है मर्करी सेल। और अगला प्रश्न है दोस्तों, मर्करी सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है। तो इसके लिए दोस्तों आपके पास विकल्प है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड या अमोनियम क्लोराइड। दोस्तों सबसे पहले आप लोग इन प्रश्नों का जो जवाब है आप लोग अपने मन में सोच लिया कीजिए, इसके बाद हम आपको जवाब देते रहेंगे। तो दोस्तों इसका जो जवाब है वो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, लैक्लांची सेल में ऋण ध्रुव का कार्य कौन करता है। तो दोस्तों विकल्प है आपके पास में जस्ते की छड़, कार्बन की छड़, MnO2 का लेप, CuSO4 के रमे जिसे इंग्लिश में लोग क्रिस्टल कहते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब है जस्ते की छड़, यानी कि विकल्प एक आपका सही है। तो सबसे बढ़िया सवाल है कि विद्युत बैटरी क्या कार्य करती है। तो दोस्तों विकल्प दिया हुआ है आपके पास में कि रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ऊष्मा ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो दोस्तों जैसा कि पता है कि रासायनिक ऊर्जा क्रिया के द्वारा वो क्या करती है, बैटरी विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। दोस्तों अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, प्राइमरी बैटरी में क्या होता है। तो प्राइमरी बैटरी में क्या होता है, इसके लिए विकल्प है आपके सामने रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है, रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती है यानी अनुत्क्रमणीय होती है, विकल्प ये का लिख सकता है, और सी है कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है, रासायनिक क्रिया होती है। तो इसका जवाब है दोस्तों रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती है, यानी कि रासायनिक क्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। तो इसलिए आपका विकल्प बी सही है, सेकेंडरी बैटरी में।
क्या होता है। सेकेंडरी बैटरी में रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है। जब प्राइमरी में दोस्तों उत्क्रमणीय नहीं होती है तो इसका मतलब क्या है कि 22 में यानी कि 22वें प्रश्न में रासायनिक क्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय होती है। इसलिए सीधे सीधे आपका विकल्प ए सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि सेकेंडरी सेल का उदाहरण है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल दरअसल होता क्या है। तो दोस्तों प्राइमरी सेल वो होते हैं जिन सेलों में रसायनों के रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल विकसित होता है उन्हें सेल कहते हैं, और इनमें रासायनिक क्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणीय होती है, और प्राथमिक सेल में पैदा होने वाले स्थानीय क्रिया दोष को जस्ता इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाकर दूर किया जा सकता है। ये सेल चूँकि कई प्रकार के होते हैं, वोल्टेइक सेल इनमें से एक हो सकता है, डेनियल सेल होता है, लैक्रांची सेल होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देखेंगे कि सेकेंडरी सेल का उदाहरण है तो आपके सामने जो ऑप्शन है लैक्रांची सेल, लेड एसिड सेल, शुष्क सेल और डेनियल सेल। तो दोस्तों इसका जवाब है आपके पास में 23 का बी यानी कि लेड एसिड सेल। ये क्या है, सेकेंडरी सेल का उदाहरण है। दोस्तों प्राइमरी सेल के बारे में आप लोगों को बता दिया। दोस्तों अब मैं आपको द्वितीयक सेल के बारे में भी बता दे रहा हूँ, थोड़ा हमारा गला ख़राब है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी सेल की। सेकेंडरी सेल क्या होता है यानी कि द्वितीयक सेल, तो इसे पहले विद्युत देकर आवेशित करना पड़ता है तब यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है और इसे पुनरावेशित किया जाता है यानी कि दोबारा आवेशित किया जा सकता है। इसका विद्युत वाहक बल अधिक होता है, इसमें रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है, इसे संचित सेल भी कहते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन से लेड एसिड बैटरी के सक्रिय तत्व हैं? निम्न में से कौन कौन लेड एसिड बैटरी के सक्रिय तत्व हैं? तो विकल्प ए है निकेल हाइड्रेटेड और लौह ऑक्साइड, लेड पर ऑक्साइड और स्पंजी सीसा, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन, और डी यानी कि चौथा विकल्प है आपके पास में स्पंज सीसा। तो दोस्तों इसका जवाब है बी लेड परऑक्साइड और स्पंजी सीसा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेड एसिड बैटरी में प्रयोग होता है? तो इसका जवाब है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी जवाब नहीं है दोस्तों, ये विकल्प है सल्फ्यूरिक एसिड, एक्वारेजिया, मैग्नीज डाइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड। तो दोस्तों इसका जवाब है आपके पास में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से कौन बैटरी की क्षमता व्यक्त करता है? तो दोस्तों निम्न में से कौन बैटरी की क्षमता को व्यक्त करता है, एम्पियर घंटा, एम्पियर वोल्ट, वाट घंटा या वोल्ट? तो दोस्तों बैटरी की क्षमता को हम लोग एम्पियर हावर यानी एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से किस पर बैटरी की क्षमता निर्भर करती है, डिस्चार्ज की दर पर या स्वतंत्र है, तापमान पर या फिर वाट घंटा? दोस्तों इसकी जो क्षमता होती है वो डिस्चार्ज की दर पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों 28 नंबर --। वोल्ट शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल होता है, तो वोल्ट सेल का दोस्तों विद्युत वाहक बल कितना होता है? विकल्प है आपके पास में 2.5 वोल्ट, 2.0 वोल्ट, 1.8 वोल्ट या फिर 1.5 वोल्ट। तो दोस्तों इसका जो जवाब है वो है आपका, आप लोग अपने मन में जवाब सोच लीजिए और मैं आपको जवाब दे रहा हूँ इस प्रश्न का, ये है 1.5 वोल्ट। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले फिर वीडियो में हम 30 या 40 क्वेश्चन फिर लेंगे, और आप लोग हमारे जो चैनल है इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हम फिर दोबारा नया वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। धन्यवाद।